अरे तुम मुंडी के ऊपर मेरे ऊपर क्यों मारते भाई? फुकट का तुम घुस रहे हो अंदर, तुमसे बात क्या हमने? दिल पे मत ले, क्या दिख रहा है? पट्टे में नेचुरल और मस्ती मजाक फन. It was a beautiful experience altogether and lovely lyrics by Mr. Kumar. Obviously, lyrically, it was a new experience for me. So, as suggested by the director, I followed it and it really worked. Did you ever think that mujhse kya karwa rahe hain? Aisa kabhi socha? See, life is all about exploring new things. Agar aap apni conceived thoughts se atak jao to aap life explore nahi kar sakte. I love to explore life and I do that. Life jaake shabad padha tha. में जो डिवाइन सुखता एक आनंद का वो तो अलग ही था. हाँ. और गाना सुन के जैसे लिरिक्स और म्यूजिक बेसिकली क्या होता है कि जब आप कुछ सुनो और जो विजुअलाइज करो वही चीज अगर पर्दे पे भी दिखे तो वो और मजा आता है देखने के लिए. तो इट्स जस्ट द ऑडियो सपोर्टेड मी टू थिंक दैट एंड ऑब्वियसली मैम. आप खुद किस किन सिंगर्स को सुनती हैं? मैं बहुत सारे सिंगर्स को, इंडियन सिंगर्स, इंटरनेशनल भी सुनती हूँ. अपने देश में अरिजीत सिंह हो, सोनू निगम हो, सुनिधि जी हो, श्रिया हो, दे आर सम ऑफ माय फेवरेट्स एंड आई रियली लिसन टू दोस सॉन्ग्स ऑफ देयर्स. अमृता जी, आप जिस तरह से आई थोड़े दिन पहले, मतलब कुछ हद से पहले, हॉकी में बचेगा, लाउंज में बचेगा. और लोग जिनको रिलैक्स करना हो, रिजुविनेट करना हो, गाना लगा के डांस करें या गुनगुनाए तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे. हर कोई कहीं पे भी गा सकता है. चलो अभी इंटरव्यू का मूड है तो आज इंटरव्यू. अमृता जी, गाने का नाम है मूड बना लिया, आपने एक बैंकर लिया, तो एक बैंकर अपना मूड कैसे बनाता है? कोई स्पेशल बारिश का आपके माहौल क्या है? बैंकिंग का अपना मूड बन जाएगा. तो बैंकिंग छोड़ के फिर नाचना शुरू कर देंगे सारे. मैम, आई थिंक इससे पहले जो आपने जो गाने गाए हैं और जैसा मैंने पढ़ा है, आई थिंक काफ़ी हद तक जो गाने और ना एक सोशल कॉज के लिए जब आप गाते हैं या कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसकी एडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा, यू नो दैट इट इज़ मच मोर रिलैक्सिंग नाउ, यू नो कि इस गाने में लैंग्वेज, यू नो द पिक्चराइजेशन, तो उस हिसाब से आपने शायद इसलिए भी हाँ किया था. देखिए, जैसे आपने उसमें यू आर लिटिल बिट टेंस्ड इनसाइड, जो फीलिंग आती है आपको इस गाने में, आई जस्ट कंप्लीटली रिलैक्स, क्योंकि गाना ही ऐसे मूड बना देता है. देवेंद्र साहब ने देखा अभी तक सच वो वर्ड भी सब कुछ सफिस्टिकेटेड भी नहीं मैंने कहा, तो कई बार आई हैव टू मॉडिफाई इट फॉर द सफिस्टिकेटेड. लाइट लगा भाई, अरे इतना तो लाइट है और क्या भाई तुम लोग का फोटो चार विचार अरे फोटो हो जाएगा तो पीछे हो जाएगा, फोटो हो जाएगा थोड़ा पीछे हो जाएगा.
पूरा इन लोग को ही सर आ रहा है। लाइट लगा यार दिग्विजय, लगाओ भाई हैलोजन लगाओ भाई, अभी नीचे बैठ जाओ भाई, भाई नीचे कर भाई, बस अरे यार लग रहा है घर पे रख के आया मेरे को नहीं बोल रहे हो रे दिल पे मत ले क्या बताइए। सबसे पहले सभी को नमस्कार, बहुत खुशी हो रही है कि आज आज मैं मूड बना लिया वे इस गाने का लॉन्च हुआ है आज, एंड आई हैव द बेस्ट पीपल हु हेल्प मी नेक्स्ट टू मी। ये गाना सुनते साथ भूषण जी को भी बहुत पसंद आया, मी ब्रदर्स का कंपोजिशन है और मैंने भी सुना तो मैंने सोचा ये तो मुझे पक्का गाना है व्हेन दे मेड मी लिसन टू इट। आपने जैसे बोला जद्दोजहद मुझे करनी पड़ी क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती थी, बट व्हेन आई वेंट टू द स्टूडियो इट वाज लाइक अ केक वॉक फॉर मी क्योंकि इन्होंने इतने अच्छी तरीके से मुझे डिक्शन और एक्सप्रेशन समझाया कि इट वाज वेरी इजी सब्सिक्वेंटली। तो उधर मीत ब्रदर्स गा के सुनाते थे एंड देन आई कॉपीड देयर स्टाइल कम्प्लीटली फॉर दिस सॉन्ग, तो आई थैंक बोथ ऑफ देम, हरमीत एंड मनमीत बोथ ऑफ देम, दे वर देयर ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग, तो मुझे बहुत खुशी है उसकी। एंड उसके आगे चलते हुए आफ्टर दिस सॉन्ग वॉज रिकॉर्डेड, जो उसका शूटिंग था वो तो अगेन इट वॉज लाइक फन, वी हैव द ब्राइड विथ अस, इनकी शादी पे मैं इनकी एंगेजमेंट पार्टी पे मैं गई थी और उसके पहले बैचलर पार्टी, एंड मिस्टर आदिल जिन्होंने ये सॉन्ग डिरेक्ट किया अक्रॉस द शूट, पता ही नहीं चला कि हम कुछ कर रहे, इट वॉज लाइक सो नेचुरल और मस्ती मजाक फन, तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर एंड लवली लिरिक्स बाय मिस्टर कुमार। आई वॉज एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि ये सॉन्ग ही ऐसा स्पंकी सॉन्ग था तो यू नीड दैट काइंड ऑफ अ लुक, तो एज सजेस्टेड बाय द डायरेक्टर आई फॉलोड इट एंड इट रियली वर्क। सी लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, अगर आप प्री कंसीव थॉट से अटक जाओ तो आप लाइफ एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो आई लव टू एक्सप्लोर लाइफ एंड आई डू दैट। अमिता जी, मैंने आपको एक बार गुरबाणी का शब्द पढ़ते हुए सुना हूँ, तो क्या आप चाहेंगे कि आप गुरबाणी में भी एल्बम करें? ज़रूर मैं चाहूँगी, और उसमें भी मुझे हमारे एक गुरु जी थे जो गुरबाणी पढ़ते थे उन्होंने उसमें हेल्प किया था मुझे, और मैंने लाइव जाके शब्द पढ़ा था और उसमें जो डिवाइन सुख था एक आनंद था वो तो अलग ही था। आपसे सवाल है। जी सर, इस वीडियो में एक छोटा सा नैरेटिव भी है, एक स्टोरी भी है। जी, तो ये स्टोरी कैसे बनी है, आपने पहले से बना के रखी या बनते बनते बन गई, और अगर स्टोरी होती है हाँ जी, तो म्यूजिक वीडियो बनाने में ज़्यादा आसानी होती है या ज़्यादा मुश्किल होती है? बेसिकली इट्स तीन मिनट में या ढाई मिनट में आप कुछ कहानी अगर बोल सकते हो डांस के साथ तो इट इज़ मोर एंटरटेनिंग फॉर पीपल टू वॉच, दैट्स द रीज़न। और गाना सुन के जैसे लिरिक्स और म्यूजिक बेसिकली क्या होता है कि जब आप कुछ सुनो और जो विजुअलाइज करो वही चीज़ अगर पर्दे पे भी दिखे तो वो और मज़ा आता है देखने के लिए, तो इट्स जस्ट द ऑडियो सपोर्टेड मी टू थिंक दैट एंड ऑब्वियसली मैम सपोर्टेड मी कि हम लोग का जो विजन था शी वॉन्टेड टू डू दैट एंड सब कुछ चीज़ें साथ में आने के बाद जो आपको दिख रहा है वो आज बहुत डिफिकल्ट होता है एक स्टोरी को वीडियो में डालना, बहुत ये हम्बल है। हाँ नहीं नहीं, ये हमें मालूम है कि बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है एक ऑडियो के अंदर बिना डायलॉग्स के स्टोरी दिखाना। आप खुद
किन सिंगर्स को सुनती हैं? मैं बहुत सारे सिंगर्स को, इंडियन सिंगर्स, इंटरनेशनल भी सुनती हूँ। अपने देश में अरिजीत सिंह हो, सोनू निगम हो, सुनिधि जी हो, श्रिया हो, दे आर सम ऑफ माय फेवरेट्स एंड आई रियली लिसन टू ऑल सॉन्ग्स ऑफ देयर्स। अमृता जी, आप जिस तरह से आई थोड़े दिन पहले, मतलब कुछ हफ्ते पहले हमने कनिका ढिल्लन जी को देखा था, वो भी बहुत ग्रेटफुली आती थी और काफ़ी चिटिया कलाइयाँ उनकी काफ़ी फेमस गाना है इनका, ये वो कोई इसमें भी गजब की बात ये है कि फर्स्ट टाइम हमने सुना और हम बहुत इसको वो किया, तो आपको ऐसा लगता है कि इस साल ये बहुत आगे जाएगा था? मुझे यकीन है कि ये सॉन्ग, दिस इज़ अ बैचलरेट एंथम एज दे से, तो मुझे लगता है हर शादी में बजेगा, लाउंज में बजेगा, और लोग जिनको रिलैक्स करना हो, रिज्यूविनेट करना हो, गाना लगा के डांस करें या गुनगुनाए, तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ट्राई करके देखिए। आजकल हर कोई बहुत मूडी हो गया, इसलिए ये लाइन हर कोई यूज़ करता है, यूथ यूज़ करती है कि मूड बन गया है, या मूड कॉफ़ी का मूड बना लेते हैं यार, चलो पार्टी का मूड बनाते हैं। तो आई थिंक एक बहुत रिलेटेबल गाना है, हर कोई कहीं पे भी गा सकता है। चलो अभी इंटरव्यू का मूड है तो आज इंटरव्यू लेते हैं। अमृता जी, गाने का नाम है मूड बना लिया, आप तो एक पैंथर भी हैं, तो एक पैंथर अपना मूड कैसे बनाता है गाना गाने का? कोई स्पेशल बारिश का इसके माहौल या फिर? बैंकिंग इज अ वेरी मोनोटोनस जॉब, तो आपका मोनोटोनस जॉब करते करते आपने बैकग्राउंड में ये गाना सुन लिया तो आपका मूड बन जाता है। बन जाएगा, बैंकिंग छोड़ के फिर नाचना शुरू कर देंगे सबको नचा देंगे। इससे पहले जो आपने जो गाने गाए हैं ऐसा मैंने पढ़ा है, लेकिन काफ़ी हद तक जो गाने थे मुझे जो साइन फॉर द सोशल कॉजेज, और है ना, एक सोशल कॉज के लिए जब आप गाते हैं या कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसकी एडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा जो दैट इट इज़ मच मोर रिलैक्सिंग नाउ कि इस गाने में लैंग्वेज पिक्चराइजेशन, मेरे उस हिसाब से आपने शायद उसके भी हाँ किया था। देखिए, जैसे आपने बोला सोशल कॉजेस, चाहे वो स्त्री भ्रूण हत्या हो, फीमेल इन्फेंटिसाइड और एसिड विक्टिम्स के गाने, उसमें यू आर लिटिल बिट टेंस्ड इनसाइड, वो फीलिंग आती है आपको। इस गाने में आई वाज कंप्लीटली रिलैक्स, क्योंकि गाना ही ऐसे मूड बना देता है। क्या देखा है? देखा है, देखा है, यस। वो थोड़े डर गए ट्रोलिंग से, बाकी ही लव्ड द कंपोजिशन, ही लव्ड एवरीथिंग, बट क्या होता है पोजिशन इन विच ही इज, तो ट्रोलिंग फ्रॉम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड। अमृता जी, आपको लाइव शोज करने पड़ेंगे तो आप करेंगे? आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू लाइव शोज बट फॉर चैरिटी एंड आई कैन कंटिन्यू दोज काइंड्स, बट मीट ब्रदर्स के साथ आई कैन डू अ लाइव शो ऑन दिस सॉन्ग, स्टार्टिंग विद दिस सॉन्ग। अमृता जी, आप नागपुर से शादी कर रखी हैं और उसको कहा जाता है कि वो महाराष्ट्र का एक बहुत अच्छा हिंदी भाषी है और कल्चरल कैपिटल भी उसको कहा जाता है, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो भाषा है, उसने कितना आपको हेल्प किया? क्योंकि आपकी हिंदी साफ है, उर्दू साफ है और साथ में आपने ये किया, तो नागपुर ने आपको कितना उसमें हेल्प किया? जो नागपुर जानते होंगे उनको पता होगा कि अनलाइक पुणे एंड ऑल, व्हेन वी टॉक आल्सो विद इन द फैमिली एट टाइम्स हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि एमपी बॉर्डर इफेक्ट होता है उसमें, तो इट रियली हेल्प मी टू हैव अ नॉर्मल हिंदी विदाउट मराठी एक्सेंट, वो हेल्प किया। बट नागपुर में क्या होता है, पीपल जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो जनरली सोफिस्टिकेटेड हिंदी में नहीं करते, तो कई बार आई हैव टू मॉडिफाई इट फॉर द सोफिस्टिकेटेड हिंदी वर्जन। खूप सुंदर अनुभव होता, आणि आधी सर्वात आधी तुम्हाला धन्यवाद येण्यासाठी, आणि आपली पूर्ण टीम इथे बसलेली आहे, कॉन्ट्रीब्युशन ज्यांनी केलं आहे, एक खूपच सुंदर सॉन्ग, कंपोजिशन बाय मीत ब्रदर्स हरमीत आणि मनमीत जी, जे रेकॉर्डिंगच्या वेळेस माझ्याबरोबर होते, ज्याच्यामुळे ती डिक्शन मला नीट म्हणता आली। आपल्याबरोबर त्याचे डायरेक्टर आहेत, व्हिडिओ डिरेक्टर आदिलजी, ज्यांनी जो व्हिडिओ पूर्ण जो शूट झाला त्याच्यात असं मजेशीर एक एन्व्हायरमेंट क्रिएट केलं आणि खूप क्रिएटिव्हली हा व्हिडिओ बनवला, तर तुम्ही पाहिलंच की किती सुंदर असा त्यांनी छोटासा कन्सेप्ट घेऊन त्याला वीव अराउंड केलं। आणि आपल्याकडे ब्राईटपणे हिच्या बॅचलरेट पार्टीला मी गेलेली होती, मेहक आणि मुलगा गायब आहे आज, पण तो सर्व करतो, त्याला आम्ही पळून दिलं।
तर ओवरऑल खूप चांगला एक्सपिरियन्स होता. लिरिक्स पण सुंदर होते श्री कुमारजी यांनी लिहिलेले. माझ्यासाठी वन ऑफ द न्यूएस्ट एक्सपिरियन्स होता, कारण टिपिकल पंजाबी मला बोलावं लागलं आणि म्हणावं लागलं. आणि दुसरं डान्स अँड डिफरंट काइंड ऑफ लुक होती. आणि आदिल जीन वर पूर्ण बिलीव करून मी जसं सांगितलं तसं केलं. कई बार नहीं, उनको न्यू ऐसे फास्ट पेस्ड गाने उनको पसंद है, और ओल्डर वर्जन्स में भी जो फास्ट पेस्ड गाने और रोमांटिक ही लाइक्स दिस. याद है उनको सारे गाने, लिरिक्स उनको याद है, ट्यून्स मुझे याद है. एक बिहाइंड द सीन्स की चीज़ आपको ज़रूर बतानी है, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैम सबको क्रेडिट दे रही हैं लेकिन ये नहीं बता रही कि इन लोगों ने, इन्होंने जब डबिंग के लिए आई तो हमें लगा कि पंजाबी बहुत डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन इन्होंने इतनी जल्दी पंजाबी की लैंग्वेज पकड़ी और इतना स्मूथली गाया कि ऐसा नहीं कि हमने इनके लिए केक वॉक कर दिया. शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, एंड एक एक चीज़ के लिए मैम का फ़ोन आता था, चाहे वो स्केल हो, चाहे सुर हो, चाहे लिरिक्स हो. शी वॉज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, इन द क्रिएशन. सिर्फ सिंगर नहीं थी, इवन इनफैक्ट वीडियो में भी, आई थिंक वीडियो में भी बेसिकली पोस्ट भी हर एक चीज़ मैम के साथ डिस्कस करके, ये एक एक पॉइंट, मतलब जो चेंजेस भी होते थे वो एक एक मिनट प्रॉपर टाइम पे. सो मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल्सो कि हम लोग ने जो चाहा वो मैम ने ट्राई किया और मैम ने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, और उसके बाद जो पोस्ट में भी जो उनका इनपुट्स थे हर एक चीज़ में, एक एक डिटेल में, वाज अमेजिंग. लग रहा था कि कुछ सीख के जैसे न्यूयॉर्क एकेडमी से आते हैं कि लिरिक्स कॉम्पोजिशन प्रोडक्शन में भी अरेंजमेंट की कौन सा रैप कहाँ जाना है क्या. yes. हर एक चीज़ में ऐसा लग रहा था कि बहुत मैम सीख के आई हैं, हम बहुत रिलैक्स थे इस बार. तो एक्चुअली क्रेडिट, अ बिग क्रेडिट गोज टू मैम, एंड दैट्स अ फैक्ट. कोई भी काम करेगा तो वो बता सकता है कि हाउ टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड मैम इज. अभी बहुत पर्दे के सामने आई नहीं है, जब अच्छे से सबको पता लग जाएगा इनका टैलेंट, देन शी विल बी ऑन टॉप इन द म्यूजिक इंडस्ट्री. दिन में कितना टाइम रियाज करती हैं? 24 घंटे. सैटरडे संडेज काफ़ी घंटे देती हूँ मैं, वीकडेज बिकॉज अदर दूसरी चीज़ें अलाइंड होती है तो एक से डेढ़ घंटा. सो बेसिकली थोड़ा सा गाना जब आप सुनोगे तो बेसिकली ब्राइट कलर खुला खुला सा लगता है सुनते, तो इसलिए शुरुआत जो होती है गाने की वो थोड़े से खुली हवा में दरिया के सामने जैसा सेटअप रखा है. कपड़े भी आप देखोगे लोगों के तो बहुत हैप्पी कलर्स है, जैसे हमारे बैकग्राउंड में अभी लगे हुए, सो ऑल हैप्पी हैप्पी. तो आउटडोर जब हम लोग इनडोर भी गए तो हम लोग ने ऐसा महल चूज़ किया, ऐसा प्लेस चूज़ किया जो वाइट हो, जिसके अंदर हम लोग हमारे कलर्स ब्यूटीफुल ऐड करके थोड़ा और ब्राइट. सो दैट्स द रीज़न सारी चीज़ें ब्राइट, लार्जर देन लाइफ और हैप्पी दिख रही. वो आउटडोर कहाँ है आप गेस कर लीजिए. आप तो सुनना चाहते हैं. वेल ऑल इज बॉम्बे ओनली, वीव शॉट इन बॉम्बे ओनली, ऑल द ब्यूटीफुल. यस, जितना हो सक रहा है हम लोग से, जितना हो सक रहा है कि मुंबई में हम लोग चीज़ें एक्सप्लोर करें और लोगों को भी बताएं कि अगर हम अपने तरीके से मुंबई को दिखाएं तो ब्यूटीफुल दिखा सकें. दैट्स द रीजन वी शॉट इन. अमृता, न्यू प्रोड्यूस, माय क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉन्ग व्हिच इज राइट नाउ व्हिच इज वेरी ट्रेमेंडस एंड रियली योर एफर्ट्स आर बीइंग क्लियरली विजिबल ऑन दिस बीट, देयर इज नो डाउट. बट एज यू हैव टॉक्ड अबाउट द ओल्ड सॉन्ग एंड द न्यू सॉन्ग, डोंट यू थिंक सो कि नाउडेज द म्यूजिकलिटी इज बीइंग lower down due to echo and auto tuning, while there is more of auto tuning in the song nowadays and the echoes are using in a positively. ये ऐसा होता है कि to compare two different times is never right. अब आप देखो कि पिछले 10-15 साल में इंसान कितना बदल गया है. वो ना कोई एक जगह पे खाना खा सकता है, सबको रोज़ अलग जगह खाना खाना है. 15 सेकेंड में आपको एक चीज़ देखनी है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है. यूट्यूब पे गाने 4 मिनट के होते थे, आपको 1.5 मिनट से ज़्यादा देख के राजी नहीं है. तो आदमी की जो पेशेंस और जो एक्सपोजर इतना हो गया कि वो इतने टाइम में फटाफट आगे बढ़ना चाहता है, तो म्यूज़िक वैसा कैसे रह जाएगा. पहले आपके घर में आप जब छोटे थे तो एक गाना बजता था तो आपका पूरा फैमिली एक गाना को सुनना पड़ता था, क्योंकि सुनने वाला एक ही मीडियम होता था और वही गाना पे 4 पिक्चरें आती थी महीने में, उन्हीं के गाने सुनते थे आप. अभी एक दिन के अंदर 1 लाख गाना रिलीज़ होता है, इतना म्यूज़िक बज रहा है और इतना ज़्यादा एक्सपोजर है आप, और फटाफट नेक्स्ट, अभी कोई 1000 रुपये ज़्यादा दे तो आप नौकरी जम कर जाते हो.
कोई और अच्छी गर्लफ्रेंड और खूबसूरत लड़की भाव दे तो आप गर्लफ्रेंड उसको बना लेते हो, सेम लड़कियों के लिए भी है, तो समय चेंज हो गया तो म्यूजिक में स्थिरता कैसे रह जाएगी? और टेक्निकली हाँ ऑटो ट्यूनर का मैं आपको जवाब देता हूँ, जैसे टेक्निकली नहीं नहीं हम उसके बारे में बताते हैं, टेक्निकली आपको बहुत सिंपल आपके तरीके से समझाते हैं कि आप सबको पता है कि जब पहले पिक्चरें और पिक्चरों में जब डायलॉग बोले जाते थे हीरो हीरोइन जब बोलते थे तो लाइव वहीं पर रिकॉर्डिंग होती थी, आपको ये तो पता है स्टूडियो में नहीं होती थी बाद में आके, करेक्ट? क्यों चेंज हो गया? बिकॉज टेक्निकली डिमांड ऐसी आई कि स्टूडियो के अंदर और अच्छी क्वालिटी, तो आज के जो माइक हैं वो एक नॉर्मल जिस गले के अंदर जो हमारी नसें हैं और ब्लड है उसको वो एनालॉग जो रॉ होता है वो कैप्चर ही नहीं करता, वो डिजिटल होता है, बाइनरी नंबर होता है, तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, वो टेक्निकली मशीन ही ऐसी बनी आज की डेट में, तो आपको ऑटो ट्यूनर लगाना ही पड़ेगा, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा तानसेन क्यों ना हो, या आप जाके किसी भी टेक्निकल आदमी से चेक कर लीजिए। पहले गाने जब रिकॉर्ड होते थे तो उसमें लाइव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाने रिकॉर्ड होते थे, आजकल पूरा गाना कंप्यूटर पे बनता है, तो जब कंप्यूटर पे बनता है तो उसमें जब आवाज़ बहुत ज़्यादा लहर खाती है तो वो मैच नहीं होती, वो तो उसको बैठाने के लिए, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, अगर आज सितार भी बज रहे हैं जैसे गाने में जो बजा है वो भी एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रूमेंट डिजिटल है वो, तो उसके बीच में हमको यूज़ ही करना पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट करना पड़ता है, बैलेंस करने के लिए सही ट्रैक पे लाने के लिए उसको हमें डिजिटली ऑटो ट्यून करना पड़ता है, उसमें कोई भी गाने बड़ा से बड़ा 30 मार्क खाना जाए। पंजाबी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, इवन मैंने देखा है कि ऐसी फिल्में जो पंजाब से कनेक्टेड नहीं है उसमें भी जो शादियों के सॉन्ग और वो सब पिक्चराइज किया जाता है उसमें पंजाबी फिल्म होती है या पंजाबी फिल्म। मैम जैसे हर हिंदुस्तान में आप हर 20 किलोमीटर में बोली बदल जाती है, हाँ। अब हर बोली का एक एक जुबान कैसे चलती है उसके डायलेक्ट होता है, जैसे फेनेटिक्स होते हैं, पंजाबी जो लैंग्वेज है वो बहुत बाउंस है उसमें, हाँ जी होर जी की हाल है तो अडा, सो देर इज अ रिदम इन द बोली, नेचुरल गॉड गिफ्ट है, उसकी वजह से आप उसमें जब आप गाते हो उस लैंग्वेज में तो वो आपको ऑटोमेटिकली बाउंस देती है, तो सुन के मन करता है डांस करने का, एंजॉय करने का, और सैड भी म्यूजिक उस गाने होते हैं उसमें भी वो, क्योंकि लिरिक लैंग्वेज का बोलने का स्टाइल वैसा है तो वो म्यूजिक को सूट करती है। एग्जैक्टली जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, आज वर्ल्ड में चाइनीज भी हो सकती थी फेमस, बट इंग्लिश लैंग्वेज का जो लहजा है, उसका जो एक्सेंट है, उसका जो फ्लो है, वो बहुत नेचुरल है, तो इसलिए वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में इंग्लिश तो बोली जाती है, चाहे कोई और लैंग्वेज बोल, पंजाबी का भी ऐसा ही है, सारी लैंग्वेजेस में अगर आप किसी एक लिंग्विस्टिक से बात करोगे तो बोलेगा पंजाबी के अंदर सब कुछ बड़ा राउंड सा है, एक बाउंस है, एक भांगड़ा है, एक गिद्दा है, तो वो बहुत जल्दी कैच करता है म्यूजिक लवर्स में, इसलिए इट्स अ नेचुरल फिनोमेना क्रिएटेड बाय सरस्वती माँ। टुडे आई फील आई शुड एंड वी शुड फोकस ऑन दिस सॉन्ग ओनली, बट ये मैं जरूर आगे जाके आपको रिप्लाई करूँ, नॉट टुडे, आई डोंट वांट टू डिविएट द फोकस। थैंक यू सो मच। आज मैम कह रही है उन्हें मूड बना ले, तेरे नाली नचना है, तेरे नाली बात करनी है, सबको आप नचा दो, उर्फी को भी इस पे। एंड बिफोर वी गो वी हैव टू थैंक भूषण कुमार जी फॉर गिविंग अस ऑल दिस प्लेटफॉर्म एंड द टी सीरीज टीम, राज एंड एवरीवन एंड कुमार पाजी जिन लिरिक्स हैं वो यहाँ पे नहीं है बट ही इज अ जीनियस, सो वी वांट टू थैंक भूषण जी, गेव अस फ्री हैंड फॉर आवर क्रिएटिविटी, दैट इज आल्सो रिस्पेक्ट वर्दी एंड नोट वर्दी। थैंक यू, थैंक यू गाइस। भाई मेरे को रुको रुको, थैंक यू, थैंक यू।